नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यू में। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर से हालात बेकाबू हो गए थे। अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक की तस्वीरों का कोई नहीं उनको भूल सकता। संक्रमण शहर से गांवों तक में पहुंच गया था। हर गांव के हर घर में दो से तीन लोग बुखार से पीड़ित थे या फिर संक्रमण के लक्षण जो हैं कुछ और थे। सरकार ने दावा किया था कि इंतजाम हो चुका है, लेकिन ऐसे में ना तो इंतजाम हुआ था, ना दवा थी, ना टेस्ट हुए थे। इसके बावजूद भी योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। सरकार दावा कर रही थी कि राज्य के गांवों में कोरोना के माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। यहां तक कि WHO भी योगी आदित्यनाथ के कोविड मैनेजमेंट का कायल हो गया है। सरकार ने WHO का एक ट्वीट भी रीट्वीट किया था, लेकिन जो कुछ यूपी में हुआ वो सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने अपनों को खोया था, जिन्होंने अपनों को मौत के मुंह से निकाला था। लेकिन जरा सोचिए कि अगर सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इतनी ही अच्छी व्यवस्था की थी तो आज वो सरकार की व्यवस्था है कहां? क्यों आज एक बार फिर यूपी से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग भटक रहे हैं इलाज के लिए, जहां लोग रोते बिलखते मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्यों आज एक बार फिर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग शव को ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस के लिए राह देख रहे हैं। क्यों अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं? ये सभी सवाल आज इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने सत्ता में आते ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े वादे तो कर दिए थे और कहा था कि अब यूपी की तस्वीर सुधरने वाली है और कहा था कि लोगों को अब यूपी में हर वो सुविधा मिलेगी जिससे वो वंचित थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं, सभी सुविधाओं को तो छोड़ दीजिए, लोगों को तो मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। और ये सब आज इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बुखार कोई नया नहीं है, ना ही इसी साल आया है। ये नजारा हर साल यूपी में देखा जाता है, लेकिन फिर भी ना तो कोई तैयारी होती पहले से, ना ही व्यवस्था होती, और इसीलिए हर बार लोगों को ऐसे ही भटकना पड़ता है जैसे आज भटक रहे हैं। तो आपको बता दें कि फिरोजाबाद में लगातार हो रही बच्चों की मौत के बाद जो है शासन और प्रशासन अब सख्त हो गया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे के बाद सीएमओ डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ पर बुधवार को गाज भी गिरी थी और हापुड़ में सीएमओ के पद पर उन्हें तैनात डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी को फिरोजाबाद जिले का सीएमओ भी बना दिया गया है। ऐसे में फिरोजाबाद जिले में अब तक 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और गांव से लेकर शहर तक डेंगू और वायरल बुखार फैला हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले भी बता दें श्रेया अस्पताल का निरीक्षण किया था और सुदामा नगर में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की थी। वहीं अब डेंगू की दस्तक मेरठ में भी हो चुकी है और अब तक डेंगू से 8 मरीज मेरठ में मिल चुके हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं अगर बात मथुरा की करें तो यहां भी डेंगू से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जिले के 8 गांवों में ये बीमारी फैल चुकी है। इस बीमारी से अब तक 12 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात कर ली जाए तो वहां भी लोगों को बीमारियों ने घेर लिया है और घर घर वायरल बुखार का कहर टूट रहा है। ऐसे में बच्चों से लेकर बड़े तक बुखार और जुकाम की चपेट में आ चुके हैं और अस्पताल में हर रोजाना वायरल फीवर के 150 से 200 के बीच मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। मरीजों की संख्या तो देखते हुए अस्पताल में एक डेंगू वार्ड अलग से बना दिया गया है। वही जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर KK गुप्ता ने बताया कि इस समय हमारे पास बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। हर मरीज की प्लेटलेट्स की जांच कराई जा रही है जिससे डेंगू का पता लग सके। वही बुखार के करीब 200 मरीज हर रोज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के औरैया में हर घर में लोग बीमार हो रहे हैं जिनमें चिकनगुनिया बीमारी जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की टीम भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण भी शुरू कर दिया है। मरीजों को दवाएं दी जा रही हैं, लोगों को सलाह दी गई है कि पानी उबाल कर पिए और साफ सफाई का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। साथ ही गांव में DDT के छिड़काव भी किया जा रहा है। वही कानपुर की बात कर ली जाए तो कानपुर में भी बुखार की वजह से 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हेलेट अस्पताल की इमरजेंसी में भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में 2 लोगों के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक रिपोर्ट की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में सांस
की नलियों में संक्रमण के साथ निमोनिया की शिकायत भी थी। वहीं सहारनपुर की बात कर ली जाए तो सहारनपुर में भी लोगों को डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम ने अभियान जो है अब चला दिया है। कई ग्रामीण इलाकों में अभी से जो है साफ सफाई कराई जा रही है और एंटी लार्वा और फॉगिंग भी किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। हालांकि अब देखिए, जैसा हमने पहले भी कहा था कि ये नजारा या ये स्थिति इस बार जो है ये कोई नई बात नहीं है। अब जरा मैं आपको 4 साल पीछे लेकर चलती हूं और आपको ये बताती हूं कि जिस साल यानी कि साल 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सत्ता में आई सरकार थी, तब भी कुछ ऐसा ही हाल था और वो भी गोरखपुर में, वही गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र था। दरअसल 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 दिनों में 60 बच्चों की मौत की खबर मीडिया में आते ही देश भर में हाहाकार मच गया था। इत्तेफाक की बात यह थी कि उन दिनों कुछ दिनों बाद ही 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। ऐसे में गोरखपुर की घटना ने सरकार और प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर आजादी के 70 साल बाद भी इस देश में बच्चों की जान इतनी सस्ती है क्या। इस शर्मनाक हादसे के बाद भी सत्ता पक्ष अपना तर्क रख रहा था तो वहीं विपक्ष बयानबाजी से अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटा हुआ था और उस समय देश का आम नागरिक और सरकार सरकारी मशीनरी से ये 10 सवाल पूछ रहा था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको वो 10 सवाल बता देते हैं जो 2017 की घटना को लेकर आम जनता सरकार से पूछ रही थी। 2017 में 10 अगस्त के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान क्या सीएम योगी भी ये नहीं जान पाए कि किसी भी अस्पताल के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा होने वाली है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान क्या अस्पताल प्रशासन ने सीएम को ऑक्सीजन के पैसे के बकाए के बारे में सूचना नहीं दी थी? अगर नहीं दी तो इस प्रशासनिक भूल के लिए हम बच्चों की जान गंवा देंगे क्या? एक चिट्ठी में स्पष्ट तौर पर पता चला था कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने स्थानीय डीएम को सूचित किया था कि बकाया भुगतान नहीं हुआ तो वो कड़ा कदम उठाएंगे। इसके बाद भी डीएम ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं दिया? क्या ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के 63 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम थी कि वो सप्लाई बंद करने जैसा फैसला ले लेते? वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर ली जाए तो उनके मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई में 5 दिनों से दिक्कतें आ रही थी और अगर ये सब भी छोड़ दे तो 30 बच्चों की मौत 36 घंटों के दौरान हुई थी। अस्पताल में 2-3 बच्चों की मौत के बाद भी अगर प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में देरी की तो इसके लिए भी किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? अक्सर महानगरों में डेंगू स्वाइन फ्लू के 2 से 3 मामले सामने आने के साथ ही पूरा सरकारी अमला और केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर इससे निपटने में जुट जाता है। ऐसे में बिहार के मुजफ्फरनगर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में हर साल खतरनाक बुखार से बच्चों की मौत होती है, लेकिन फिर भी इसे रोकने के लिए खास इंतजाम नहीं किए जाते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री के गृह जिले के सबसे बड़े अस्पताल में प्रशासन इस तरह की लापरवाही कर रही है तो आगे क्या और दूसरे जिलों में क्या हाल होगा, ये जो है सोचने वाली बात है। वहीं बता दें महानगरों में रहने वाले लोग चिंतित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जो है अस्पतालों का लगातार दौरा तो कर रहे हैं लेकिन लापरवाही बढ़ती अस्पतालों की तरफ से जा रही है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने कई भाषणों में दावा किया था कि सत्ता में आते ही जापानी बुखार को लेकर कदम उठाए जाएंगे। इस बार बरसात का सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने एहतियातन कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? अखिलेश यादव, मायावती, गुलाम नबी आजाद जैसे विपक्षी नेताओं ने एक सुर में इस घटना के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। बड़ा सवाल यह है कि जापानी बुखार की समस्या गोरखपुर में लंबे समय से चली आ रही है, ऐसे में पूर्ववर्ती सरकारों ने इससे निपटने के लिए कोई इंतजाम अभी तक क्यों नहीं किए हैं? वहीं साल 2014 के लोकसभा और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की जनसभाओं में कहा था कि दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद जापानी बुखार की बीमारी से निजात दिलाने में आसानी होगी। ऐसे में पीएम मोदी के वादों का क्या हुआ? तो ये वो 10 सवाल थे जो 2017 में गोरखपुर में हुआ था, उसको लेकर जनता जो है वो सरकार से कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक लोकसभा सदस्य रहे वो लगातार संसद में इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन अब जब उनके मुख्यमंत्री बनने के 4 साल बीत चुके हैं तब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि पिछले साल हुई मौतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कई घोषणाएं की, लेकिन जमीन पर उनका उतरना भी बाकी है और बच्चों के मरने का सिलसिला कम नहीं हुआ है। और आज तक हर कोई यही बात देख रहा है कि वो घोषणाएं मुख्यमंत्री की आखिर हैं तो है कहां। गोरखपुर के बीआरजी मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए तो कॉलेज में सिर्फ गोरखपुर और आसपास के जिलों के बच्चे आते हैं, बल्कि नेपाल तक के बच्चों के लिए भी वही एक अस्पताल है जहां इस बुखार का इलाज हो पाता है। यह अलग बात है कि इस बीमारी का इलाज अभी यहां के डॉक्टरों के लिए भी अभूत पहेली ही बना हुआ है। इस बीमारी में रोगी में तेज बुखार, झटके, गले में दिक्कत जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं और यदि समुचित इलाज ना हो सके तो 3 से 7 दिन के अंदर मौत हो जाती है। अब साल 2006 की बात कर लेते हैं। साल 2006 तक तो इस रोग से हुई मौतों का जिम्मेदार अकेले मच्छरों को ही माना जाता था, लेकिन बाद में हुए परीक्षणों से पता चला है कि कई मामलों में जल जनित एंट्रोवायरस की मौजूदगी भी पाई गई है। चलिए अब जरा आपको बात इन दिनों की कर लेते हैं और बता देते हैं कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है। जो यूपी में अभी चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। फिलहाल फिरोजाबाद में डेंगू से मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है। फिरोजाबाद के 100 शय अस्पताल में फिलहाल 380 बच्चे भर्ती हैं। लेकिन इस संकट के बीच फिरोजाबाद सदर के विधायक का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दरअसल अपने बीमार बेटे के इलाज में हो रही दिक्कत की शिकायत लेकर एक शख्स जब विधायक के सामने गिड़गिड़ा रहा था तो विधायक ने उसे नसीहत दे डाली कि इस तरीके से बात करने से उसका नुकसान हो जाएगा। और देखिए इतना ही नहीं, विधायक जी को जैसे ही पता चला कि उनके आसपास कैमरे हैं उन्होंने अपने सुर बदल लिए। एक तरफ तो देखिए जनता भटक रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, रो रही है, बिलक रही है, लेकिन जनता के जनप्रतिनिधियों को का ऐसा रवैया देखा जा सकता है और इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसा रवैया जनता के जनप्रतिनिधियों का सामने आता है। देखिए अब जानकारों के मुताबिक बीते कुछ सालों में दिमागी बुखार के मामलों में तो कमी जरूर आई है, लेकिन ईएस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके लक्षण भी दिमागी बुखार जैसे ही होते हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह गंदगी और संक्रमित जल को माना जाता है। डॉक्टरों के अनुसार इंसेफ्लाइटिस का सबसे ज्यादा असर 1 से 15 साल के बच्चों पर पड़ता है और अगर शुरुआती दिनों में ही बच्चे का इलाज शुरू हो जाता है तब इसके बचने की संभावना और ज्यादा हो जाती है, वहीं देर होने पर बच्चे की मौत हो जाती है। यही नहीं, अगर कोई बच्चा गंभीर हालत के बाद भी बच जाता है तो वो या तो मानसिक तौर पर कमजोर हो जाता है या फिर शारीरिक तौर पर विकलांगता का शिकार हो जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियम वाली 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक अब गाड़ी से गंदगी करने, सड़कों पर थूकने पर बड़े नगर निगम क्षेत्रों में 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और छोटे नगर निगम वाले इलाकों में जुर्माने की राशि 750 रुपए रखी गई है। इन सब के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पालतू जानवरों को शौच करने पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। नए नियम को लागू करने की जिम्मेदारी सभी जिलों के नगर निगम को दे दी गई है। अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो आंकड़ों के अनुसार हर दिन में करीब 14,000 से ज्यादा मीट्रिक टन यूपी में कूड़ा मिलता है, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसका असर प्रदेश के स्वास्थ्य, साफ सफाई और पर्यावरण पर पड़ रहा है। ऐसे में ये सख्ती की जा रही है और नई नियमावली में अपशिष्ट को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और घरेलू कूड़े को अलग अलग करके कूड़ेदान में रखना होगा। देखिए सरकार का ये गंदगी फैलाने वालों पर जो ये नया कानून लाया गया है वो एक अच्छी बात है और इसकी सराहना भी जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन जरा उन गांवों, उन कस्बों, उन इलाकों को भी देखना चाहिए जहां पर महीने भर तक पानी भरा रह जाता है, जहां पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। उन इलाकों का क्या, वहां तो किसी की नजर नहीं जाती और गंदगी जस की तस बनी रहती है। हालांकि देखिए अब जानकारों के मुताबिक इंसेफ्लाइटिस का अब तक कोई कारगर इलाज नहीं है, लेकिन ये बीमारी सावधानी बरतकर काफी हद तक रोकी जा सकती है।
इस बीमारी की मृत्यु दर सबसे ज्यादा 35% है और ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए। वही डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर सुनाते हैं आपको। देखिए, सरकार की तरफ से तीसरी लहर में जो सरकार ने टास्क फोर्स बनाई थी केंद्र सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, हमारी राज्य सरकार द्वारा, उसमें ये बात सामने आ रही है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि बच्चों के अंदर जो है तीसरी लहर का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि हम बच्चों के लिए स्पेशल पीकू वार्ड्स, कोविड पीकू वार्ड्स बनाएं जी। उसके लिए पूरा एक स्टैंडर्ड, पूरा एक प्रोफॉर्मा तैयार किया गया जी। उसका एक पूरी, उसमें क्या क्या आपको हमको जरूरत पड़ेगी सामानों की, वो व्यवस्थाएँ कराई गई जी। ड्रग्स की अवेलेबिलिटी कराई गई है। तो पीकू और बच्चों के संबंध में, यानी कि बच्चों के आईसीयू के संबंध में और बच्चों के अंदर कोविड की व्यवस्था के संबंध में तैयारी, मेडिकल कॉलेज आगरा में 100 बेड का पूरा एक हॉस्पिटल तैयार है जी, जी, जी। उस ब्लॉक में 50 आइसोलेशन बेड्स हैं, 20 आईसीयू हैं और 30 एचडीयू बेड्स हैं जी, जी, जी। और उसमें जो भी सामान आवश्यक था एज पर जो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जी, वो पूरा है। सिविल हॉस्पिटल में फीवर के केसेस तो आ रहे हैं लेकिन जाँच कराने के बाद में अभी तक 3 पॉजिटिव निकले थे, जिनमें से 3 को एडमिट भी किया गया है। उसमें एक तो बाल रोग विभाग का था और 2 एडल्ट थे, तो 3 थे उसमें से एक तो डिस्चार्ज हो गया है, 2 अभी हैं हमारे पास, उनका इलाज चल रहा है और कंडीशन पहले से बेहतर है। प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा उनकी डाउन नहीं थी, 50,000 के अराउंड में थी। तो ये जो बीमारियाँ हैं क्या इस महीने में ज़्यादा होती हैं? डेंगू का फीवर जो है वो मच्छरों के पनपने से होता है और मच्छर जब पनपते हैं तो वो सीजन बारिश के बाद का ही होता है, तो उसमें ज़्यादा केसेज निकलने की संभावना रहती है। कितने मरीज एडमिट हो चुके हैं? बताया तो मैंने, 3 मरीज जो हैं भर्ती हुए हैं, उनमें 1 डिस्चार्ज हो गया है, 2 बचे हुए हैं। बीमारियाँ जो है ये खासतौर से अगर हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं या वायरल फीवर जो चल रहा है हर एक घर में हो रहा है, तो कैसे मतलब एहतियात करना चाहिए? वायरल फीवर की बात जहाँ तक है तो वो इस ह्यूमिड, हॉट ह्यूमिड सीजन में अधिक होने की संभावना रहती है और इस समय हॉट ह्यूमिड सीजन चल भी रहा है बारिश के टाइम पे और बारिश जब ख़त्म होने लगती है उस टाइम पे इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, जो कि हो रहा है, दिख भी रहा है। हमारे यहाँ भी 15 से 20% तक फीवर के केसेज बढ़े हैं और बाकी तो सब नॉर्मल वैसे ही पहले चल रहा था वैसे ही है। टाइफाइड की जहाँ तक बात है तो टाइफाइड वाटर बॉर्न डिजीज में ही आता है, ओरल फीको ओरल रूट से होता है। वहीं देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के चलते हाहाकार मच गया था। सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन को लेकर हुई थी। इस दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति न कर पाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर सवाल भी उठे थे। इसका सबक लेते हुए कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के कामों को तेजी दी गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों की बात कर ली जाए तो अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो क्या उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन सप्लाई करने में सक्षम होगा? इस पड़ताल में बता दें, पड़ताल में पाया गया है कि 8 जिलों में से सिर्फ गोरखपुर ऐसा जिला है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाकी जिलों में कमोवेश जैसी तैयारियां आधी अधूरी हैं या प्रशासन के दावों में सच्चाई नहीं है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर अगर सितंबर में आ गई तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले अब भी वही खड़े हुए नजर आएंगे जहां कुछ महीने पहले खड़े थे। इसीलिए वायरल बुखार को लेकर भी उत्तर प्रदेश की स्थिति वही है जो सालों से चली आ रही है। हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हुआ होगा लेकिन यूपी में अभी भी स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसीलिए हालात दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं देखिए, एक तरफ तो जनता परेशान है, बेबस है, लाचार है लेकिन जनता के जनप्रतिनिधि ऐसे समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप भी खुद सुन लीजिए ऐसे हालात में कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब सरकार को मालूम है
कि अगस्त और सितंबर के महीने में चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या मस्तिष्क ज्वर हो, ऐसे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी जाती है। ये बीमारी अपनी गिरफ्त में हज़ारों लोगों को ले लेती है, फिर भी ऐसा सरकार न तो सक्रिय होती है ना तो उसके पहले कोई इस तरह की तैयारी करती है कि इन रोगों से कैसे लोगों को बचाया जाए। तो यह साफ है कि यह सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर पूरी तरह से निष्क्रिय है, या तो हम ये कहें कि यह पूरी तरह से असमर्थ है। तो ये कहना हमने इंतजाम पूरा कर लिया है, तो इंतजाम अगर है तो फिर जो मौतें हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? या तो सरकार खुद ले या तो अपने अधिकारियों पर उसकी जिम्मेदारी डाले, और अगर अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी डालती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हॉस्पिटल की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम प्रत्येक चीज़ की निगरानी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ना तो मंत्रिमंडल मंत्री की ज़रूरत है और ना ही अधिकारियों की ज़रूरत है। ऐसा कैसे संभव है कि एक मुख्यमंत्री सभी विभागों की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ले? इसका मतलब उनको अपने मंत्रियों पर, अपने अधिकारियों पर कोई विश्वास नहीं है या उनकी कार्यक्षमता पर कहीं कहीं से संदेह है। देखिए, सभी जिले के जिला अधिकारियों को और CMO को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था रखी जाए, दवाओं की व्यवस्था रखी जाए, और जो बच्चे खासतौर से इस समय जो ज़्यादातर बच्चों पे ही हमला होता है क्योंकि बरसात का समय चल रहा है और ये हर वर्ष जो है ये समय ऐसा आता है कि इस तरह की बीमारियां आती हैं, और सरकार इनको लेकर के विजिलेंट है। जहाँ पर लापरवाही की गई है वहाँ के लोगों को हटाया भी गया है, कार्रवाई भी करी गई है, और डॉक्टर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बीमारियों पर जो पहले परिणाम आते थे उसमें काफ़ी कमी आई है। कुछ जगह हॉस्पिटल में के कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कोरोना के काल में हॉस्पिटल्स में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बेड्स बढ़ाए गए हैं, तमाम ICU नए बने हैं, तमाम नए अस्पताल भी सरकार ने हमारे बनाए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी से 70 साल में क्रांति जो है 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर थे, आज 35 से ऊपर की संख्या मेडिकल कॉलेज की हो चुकी है, 2 एम्स भी बनाए जा चुके हैं। इसका सारा श्रेय जो है योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। फिरोजाबाद में बच्चों की मौत के चलते अफरा तफरी जैसा माहौल है, मृतकों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में प्रशासनिक आंकड़ों की माने तो अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इलाके के विधायक मनीष असीजा के अनुसार अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नव नियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी ने बताया कि अब फिरोजाबाद में मरने वालों की संख्या 44 हो गई है। ऐसे में CM योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में मरीजों के हालात पर जो है खुद जाकर स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को स्थानीय जरूरत के अनुसार चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। मरीजों की सुविधा को देखते हुए सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही अन्य जरूरतों की तत्काल आपूर्ति के लिए निर्देश भी अफसरों को जारी कर दिए हैं। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री भले ही खुद इलाकों का दौरा कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन अगर ये सभी तैयारियां पहले से ही कर ली जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज ऐसे हालात नहीं बनते कि एक के बाद एक बच्चे दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है तो बच्चों के शव को परिजन अपने निजी वाहन पर ले जाने को आज मजबूर नहीं होते। तैयारियां कर ली जाती तो आज माँ बाप या फिर बच्चे अपने माँ बाप को नहीं खोते, और इसीलिए देखिए तैयारी करना पहले से बहुत ज्यादा जरूरी था। यही हुआ था कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी, क्योंकि तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की नहीं थी, इसीलिए हालात इतने ज्यादा बेकार हो गए थे, बुरे हो गए थे। लेकिन देखिए, यूपी में सरा का बुखार जो है, वायरल बुखार, हर साल इसी समय पर आता है, फिर भी क्यों प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से तैयारी नहीं की जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो भी इसलिए क्योंकि देखिए तैयारियां जो है, सरकार ये दावे करती है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं सरकार जनता से बड़े बड़े दावे और वादे करती नजर आती है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करनी जाए तो जमीनी हकीकत पे वो दावे और वो वादे सभी झूठे साबित आते हैं या फिर होते हुए नजर नहीं आते। और ये सिर्फ हम BJP सरकार की बात नहीं कर रहे, ये सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं। जो भी सत्ता में होती है वो सरकार जो जनता है उनसे बड़े बड़े वादे तो कर देती है कि आपको ये सुविधा दी जाएगी, वो सुविधा दी जाएगी, लेकिन जब ही जनता इस तरह से मरती है, इस तरह से भटकती है, तब उस जनता को देखने वाला कोई नहीं आता, तब उस जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं आता। हालांकि देखिए, ये जरूर अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
खुद फिरोजाबाद पहुंचकर उन्होंने दौरा किया, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए सवाल ये भी आता है, ये भी उठता है कि अगर ये सभी तैयारियां पहले ही कर ली जाती, ये सभी तैयारियां पहले से हो जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज अस्पतालों में बेड की संख्या नहीं बढ़ानी पड़ती। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और सावधान रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। नमस्कार।